नमस्ते, मेरा नाम उज्ज्वल है। आप देख रहे हैं गार्डनर दोस्त। आज आपको बताएंगे काला लिली के बारे में। इससे पहले भी वीडियो इसका जब फ्लावर आया था तो बना के बता दिए थे। ये मैंने अमेजन से मंगवाया था। इसका बल्ब, एक ही बल्ब मंगवाया था। ऐसे इसका बल्ब महंगा आता है। ये 200 या 300 में मुझे मिला था। बहुत सा लिली के बारे में पहले तो कहा था ऐसे ही है, लेकिन ये बाद में फ्लावर जब दिया तो जाके मुझे पता भी नहीं था जो ये काली लिली ही है। मैंने ऐसे ही लगा दिया था। कैलेडियम के बारे में हम समझ रहे थे, इसका पत्ता देखे कैलेडियम है, लेकिन वो ऐसा नहीं निकला। इसका बल्ब राइजोबियम आया था, गोल सा, वो रजनीगंधा के तरह, रजनीगंधा का जो बड़ा सा बन जाता है, या फुटबॉल लिली का, उसका भी इसी में से आया था। उस पर भी वीडियो बना दिया है। पीछे वाला वीडियो वो उसी का होगा, इससे पहले वाला। ऐसे काला लिली आपको लगाने में बहुत आसान है। ये तो हम दिन भर का धूप में रखे हुए हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता है, लेकिन सरवाइव तो कर रहा है। यहाँ धूप दिन भर नहीं जाती है, इससे ये सरवाइव तो कर रहा है। पता नहीं इसे छाया में रखना चाहिए या नहीं, मुझे ये सब नहीं पता है, लेकिन तब भी ये सरवाइव कर रहा है। इसका मतलब धूप का ही प्लांट है। इसका फ्लावर आपको वही ठंड के मौसम में आया था, उस पर भी प्लांट होगा, काला लिली प्लांट। उसके बाद गार्डनर दोस्त लिखिएगा तो मेरा ही वीडियो आ जाएगा, इसलिए आप देख लीजिए वो वीडियो। इसमें वेरीगेटेड पत्ता आ रहा है उजला स्पॉट का, इसलिए और भी अच्छा लग रहा है। ये ऐसे भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे तो ये गिर गया है इसका प्लांट, ये ज़मीन में हम लगाए हुए हैं। ऐसे 12 इंच वाला गमला में आप लगा सकते हैं। एक गमला में एक ही प्लांट लगाएं जो अच्छा लगेगा। ऐसे दो चार प्लांट लगाना तो ज़रूरी नहीं है, दो चार बल्ब। ऐसे आपके पास बल्ब है, एक बल्ब 5-7 डिवाइड होके बन जाएगा। जैसे देखिए नीचे में बल्ब है, इतना सा आलू बड़ा, इतना बड़ा हो गया है। तो पता नहीं फूल कब देगा, अब अगले साल ही फूल देगा, साल में एक बार ही, एक ब्रांच से एक ही फ्लावर निकलता है। इसमें हम महीने में NPK 19-19 और वर्मिंग कंपोस्ट मिला के एक मुट्ठी वर्मिंग कंपोस्ट दे देते हैं जो ज़मीन में लगा हुआ है। ऐसे तो अभी मानसून का सीज़न है तो पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर गमला में लगा रहे हैं तो इसमें तो पानी देना आवश्यक हो जाएगा। आप इसका प्लांट ज़रूर लगाएं, काला लिली का। इसका बल्ब का लिंक हम अमेजन का दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा। ऐसे इसका प्लांट बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा कलर था, कलर भी कोई ख़राब नहीं था। आप देख सकते हैं उसका वीडियो। 15 सेकेंड का भी एक बना दिए थे शॉर्ट वाला, वो भी आपको मिल जाए तो वो भी देख लीजिए। इसमें गार्डनर सॉइल 75%, 25% वर्मिंग कंपोस्ट मिला के इसे धूप में, ज़्यादा धूप नहीं लगने दे। ऐसे तो पत्ता कभी बर्न नहीं हुआ है इसलिए हमको लगा, लेकिन फ्लावर जब देना स्टार्ट कर दे तो एक फ्लावर 15 या 20 दिन आपको चलेगा। इसको अगर अंदर लगा दीजिएगा, एक काला लिली और एक रेड बोग लिली। ये मेरे पास दो रेड बोग लिली का तो कोई भी वीडियो नहीं है यूट्यूब पे, एक आध वीडियो, एक भी हम ही डाले हैं, वही है। इसका भी एक पहले, इससे जो फ्लावर वाला बहुत कम वीडियो है, इसलिए हमारे वीडियो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ऐसे ही वीडियो रोज़ाना लाते रहते हैं। धन्यवाद। मैं उज्ज्वल कुमार।